वृंदा को लगा मानो उसकी सांस उखड़ रही हो। अचानक से वृंदा कसमकसाने लगी, छोड़िए मुझे। नीरव ने उसको छोड़ दिया, लेकिन वहीं खड़ा रहा। क्या बात हो गई? क्या तुम नहीं मानती कि हम पति पत्नी हैं? अगर ऐसा ही है तो तुमने मेरे लिए व्रत क्यों रखा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? मैं कोई पहलवान नहीं हूं जो आप मुझे इतनी सख्ती से पकड़ते हैं। मुझे दर्द होता है। वृंदा फिर से आग की ओर बढ़ गई। बाहर जोरों की बारिश अभी भी जारी थी। लगता था आज ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेने वाली थी। ठंड लग रही है क्या? हाँ। नीरव ने फिर से उसे अपने आलिंगन में भर लिया। इस बार वृंदा ने कोई प्रतिरोध नहीं जताया। जल्द ही दोनों के बीच की सारी दीवार मिट गई। दोनों अब एक हो चुके थे। कुछ ही देर बाद आहट पाकर वृंदा की नींद खुली। हाँ, कैसी आवाज थी ये? पहलवान जी, आप लोग कौन हैं? सामने एक आदमी ने नीरव पर गन तानी हुई थी। वहां कई बदमाश थे और कुछ कार वाले लड़के भी थे, जिन्हें नीरव ने कुछ देर पहले नादान समझकर छोड़ दिया था। हम तो इस पहलवान की मौत है भाभी जी, क्या करे, ऑर्डर मिला है हमें। क्या, किसने दिया है ऑर्डर? किसने किया ये मत पूछिए भाभी जी, लेकिन क्या है कि आप भी यहाँ है तो इनके साथ साथ आपको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। वृंदा, तुम परेशान ना हो, मैं। इससे पहले कि नीरव अपनी बात खत्म कर पाता, उसके सिर पर गन के हैंडल से मार दिया गया था। चुप बे, बड़ा आया पहलवान। सारी पहलवानी अखाड़े में ही अच्छी लगती है बेटा। असल जिंदगी में बंदूक के आगे सारी पहलवानी धरी रह जाती है। बॉस, क्यों ना हम इस छमिया को मारने से पहले हम भी। यह सब देख नीरव का खून खौल उठा। उसने अचानक ही गन लिए आदमी का हाथ झटका और उसे धोबी पछाड़ दे दिया। लेकिन तब तक दूसरे लड़के ने वृंदा पर गन तान दी। जहां खड़ा है वहीं रुक जा पहलवान, अब तो अपनी ख्वाहिश मैं तुझे मारने के बाद पूरा करूंगा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।